हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की हमारी नई जर्नी शुरू हो रही है यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से, और हम लोग जा रहे हैं आज गोवा की ओर, ताकि मैं दूध सागर को काफ़ी अच्छे से आप लोग के लिए कैप्चर कर पाऊँ। मेरा रिजर्वेशन है यशवंतपुर से हुबली तक एक ट्रेन में, और हुबली से आगे अभी तक मेरे को टिकट नहीं मिल पाई है, तो देखते हैं कल सुबह मैं हुबली से आगे कैसे पहुँचता हूँ और दूध सागर आपको मैं कैसे दिखा पाता हूँ। तो फिलहाल मैं यशवंतपुर आ चुका हूँ, मेरी ट्रेन का डिपार्चर यहाँ से 11:50 है, जिस समय मैं आपको दिखाऊंगा मेरी ट्रेन और यशवंतपुर से डिपार्चर। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस जर्नी को, हमारी जर्नी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, रात में कुछ ऐसा दिखता है हमारा यशवंतपुर रेलवे स्टेशन। अभी मैं आपको रेलवे स्टेशन नीचे जा कर के दिखाता हूँ। काफ़ी भीड़ है प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ट्रेन को आने का समय तो हो चुका है, पर ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म में लगाई नहीं गई है। टाइम हो रहा है अभी 11:10 और ट्रेन का यहाँ से 11:50 डिपार्चर है। जितने भी पैसेंजर्स हैं सारे प्लेटफॉर्म पे हैं, इसलिए अभी मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। मैं अभी फुटओवर ब्रिज पे ही हूँ, जैसे ही समय होगा ट्रेन लगा दी जाएगी, मैं प्लेटफॉर्म पहुँच जाऊँगा। इसलिए तब तक आप लोग को दिखाता हूँ मैं यशवंतपुर जंक्शन रात में कैसा दिखता है। यशवंतपुर हुबली एक्सप्रेस, जो सप्ताह में केवल एक दिन यशवंतपुर से हुबली के बीच में चलती है। वैसे ट्रेन यशवंतपुर से बीकानेर के बीच में चलती है। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और देखते हैं इसी टू टायर का इंटीरियर कैसा है, और उम्मीद करता हूँ हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और सुबह 8:30 हम लोग हुबली पहुँच जाएंगे। देखते हैं उसके आगे मैं अमरावती में कैसे बोर्ड करता हूँ। दोस्तों, ये है हमारी ट्रेन का शानदार इंटीरियर, और अब समय हो चुका है 11:50 और चलने का समय हो चुका है। तो चलिए चलते हैं डोर से, देखते हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर, उसके बाद मैं आ जाऊंगा अंदर और फिर बाकी की जर्नी के शॉट्स आपको कल सुबह से देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं डोर पर और देखते हैं ट्रेन का डिपार्चर। तो फाइनली बिल्कुल शार्प 11:50 रात के 11:50 पे हम लोग यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से चल चुके हैं। ट्रेन नंबर है 16543 यशवंतपुर हुबली एक्सप्रेस, जो कि केवल हुबली तक है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और बैंगलोर यशवंतपुर रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, स्टेशन को और अच्छा बनाया जा रहा है और कई सुविधाएँ आपको देखने को मिलेंगी यशवंतपुर रेलवे स्टेशन। हम लोग फाइनली अब चल चुके हैं यशवंतपुर स्टेशन से। आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि दूसरी तरफ ट्रेन कौन सी खड़ी है, तो वो है कामाख्या यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस, जो कि कामाख्या से यशवंतपुर की ओर आई है। थोड़ा लेट थी इसलिए अभी भी यहीं पे खड़ी है, उसी समय में इसका रेक्स को शंट कर दिया जाएगा। फाइनली हम लोग यशवंतपुर जंक्शन को पार कर चुके हैं। रात काफ़ी हो चुकी है तो मैं चलता हूँ अंदर और अब आराम करते हैं, कल सुबह आपसे मिलूँगा अर्ली मॉर्निंग शॉट के साथ। तो मिलते हैं कल सुबह दोस्तों, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे कल सुबह।
चुके हैं 6:05 AM, ट्रेन राइट टाइम चल रही है। हुबली पास ही बजा है 80 किलोमीटर पर, ट्रेन को 2 आवर्स दिए हुए हैं, तो ट्रेन अपनी सी नॉर्मल स्पीड में आगे की ओर बढ़ रही है। बाहर इतनी बारिश हो रही है कि मैं आपके लिए कुछ रिकॉर्ड अभी नहीं कर पा रहा हूँ, पर जैसे ही बारिश रुकती है मैं आप लोग के लिए चीज़ें रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा। तो ये जर्नी काफ़ी कम्फर्टेबल रही, रात में अराउंड 12:30 में सोया था और अभी मैं उठ रहा हूँ। 6 आवर्स काफ़ी अच्छे थे एक प्रॉपर नींद के लिए, तो मैं अब आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए रेडी हूँ। आगे जो हमारी ट्रेन है हुबली से गोवा के लिए अमरावती एक्सप्रेस, उसकी चार्टिंग कल रात में ही हो चुकी थी, तो उसमें मेरे को टिकट नहीं मिल पाया है और दोनों की ट्रेन के बीच में 1/2 आवर का डिफरेंस है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं हुबली पहुँच के जैसे तैसे जनरल टिकट लेके आऊँगा, उसके बाद मैं अमरावती ट्रेन को बोर्ड करके TT से उस टिकट को जिस भी क्लास में सीट अवेलेबल होगी उस क्लास में कन्वर्ट करा लूँगा। उसके बाद हम लोग कैप्चर करेंगे दूधसागर फॉल्स को। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इस ट्रेन का अराइवल टाइम हुबली में 8:30 AM का है, पर पता नहीं ये कब पहुँचती है। अगर ये समय से पहुँचती है तो मैं अमरावती एक्सप्रेस को कब पकड़ पाऊँगा, तो देखते हैं क्या होता है। कहानी में ट्विस्ट अभी बना हुआ है और जैसे ही बारिश रुकती है मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ। इन्जॉय करिए आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी को। चलिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो होने वाला है आज, देखते हैं क्या होगा। दोस्तों अभी हम एक नॉर्मल से स्टेशन में, यानी एक लोकल स्टेशन में रुके हुए हैं जहाँ ट्रेन का रेगुलर स्टॉप तो नहीं है, पर बैंगलोर से हुबली की जो ये लाइन है जिसमें अभी हम लोग हैं फिलहाल, हावेरी से हुबली के बीच ये भी सिंगल लाइन है, तो इसके कारण ट्रेन को यहाँ रोका गया है क्योंकि दूसरे ट्रैक पर सिद्धगंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस आ रही है। सिंगल लाइन क्रॉसिंग, सिंगल लाइन ट्रैक्स होने पर यही होता है कि जब भी कोई ट्रेन गुजर रही होती है तो कोई किसी न किसी एक ट्रेन को रुकना पड़ता है ताकि सामने वाली ट्रेन पार हो जाए। तो लोकेशन बहुत ही सुंदर लग रही है, एक्सपेक्टेशन दूधसागर फॉल से इसको देखते हुए बहुत बढ़ती चली जा रही है क्योंकि अभी ही इतनी हरियाली है, इतना अच्छा मौसम है, तो दूधसागर फॉल्स कितना सुंदर होगा सोच करके मज़ा ही आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, अब से कुछ समय में सिद्धगंगा एक्सप्रेस हमें क्रॉस करेगी, ट्राई करता हूँ आप लोग को उसे दिखाने का। तब तक आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करिए इस बहुत ही सुंदर मौसम को।
दोस्तों हुगली पहुंचने में बचे हैं केवल 12 किलोमीटर्स और अभी एक घंटे का समय हमारे पास पूरा बचा हुआ है हुगली पहुंचने के लिए। तो हुगली स्टेशन आने से पहले कुंदगोल नाम का स्टेशन आता है, वहां पे हमें रोक दिया गया है क्योंकि यहां पे क्रॉसिंग होगी हुगली बैंगलोर पैसेंजर एक्सप्रेस, जो कि अब से कुछ ही समय में हमारे सामने से आएगी। फाइनली दोस्तों समय से काफ़ी पहले यानी हाफ एन आवर पहले हम लोग हुगली जंक्शन पहुंचने वाले हैं। टाइम हो रहा है 8 AM और हमारी ट्रेन अभी हुगली जंक्शन के आउटर में है। कुछ ही समय में हम लोग हुगली जंक्शन पहुंच जाएंगे और उधर से आप जो एक और ट्रैक आता हुआ देख रहे हैं वो आ रहा है हॉस्पेट घड़क लाइन से। हुगली को जंक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रूट भी यहाँ पर मिलता है। साउथ वेस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर है हुगली जंक्शन। EMD लोकोज और भी कई लोकोज मेंटेनेंस का काम, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुगली जंक्शन द्वारा, हुगली डिवीजन द्वारा देखी जाती हैं SWR में। अब से कुछ ही समय में हम लोग हुगली जंक्शन पहुंचने वाले हैं और मेरी ये जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। इसके आने वाले पार्ट में मैं आप लोग से मिलूँगा और तब आप लोगों को पता लगेगा कि मैं अमरावती एक्सप्रेस जो कि यहाँ से 9 बजे है उसे पकड़ पाया कि नहीं। कहानी में एक और ट्विस्ट है जो कि अगले पार्ट में ही आप लोगों को पता चलेगा। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे दूध सागर घाट का व्यू। वो जो सामने से आप लाइन आती देख रहे हैं वही लाइन आती है हॉस्पेट से। आप लोग भी मेरी तरह इंतज़ार कीजिएगा अगले पार्ट के आने का, बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि दूध सागर घाट की जर्नी हुबली से गोवा तक आपको उसी वीडियो में देखने को मिलेगी। मौसम इतना बढ़िया हो गया कि मेरी एक्सपेक्टेशन सही में बहुत ही ज़्यादा हो गया। इतनी हरियाली देख के दिल खुश हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, देखते हैं हुबली में अराइवल। आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।